हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप कैसे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो और कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे रेगुलरली पूछते हैं कि सर, मेरा क्वांट में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, मैं जब स्पीड टेस्ट लगाता हूँ तो मेरा यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, और ज़्यादा मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ तो एक्यूरेसी मेरी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो ये सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, आपको क्वांट में आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा, उसको हम सब डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इस बार SBI क्लर्क और LIC असिस्टेंट में, यानी उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या आप में से भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। तो आपकी जो कमी रही है उसको आप जरूर उसको आप देखो, और आपकी स्पीड एक्यूरेसी है वो कैसे बढ़ेगी, आप अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो उसको भी आप, यानी आपको जो भी कमी रही है उसको आप जरूर एनालिसिस करो, और ऑलवेज आप पॉजिटिव रहो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आप पॉजिटिव रहो और आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, और आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और सही डायरेक्शन में करो प्रिपरेशन, आपको सफलता आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो आपको बस आपको क्विट नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 2 साल से 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन रहना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। यानी आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैसे बढ़ेगा, देखो आप जो भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको दो चीज आपको देखते होगे कि आपकी स्पीड नहीं हो पा रही है, और स्पीड आप जब कर पा रहे हो तो आपको स्पीड में, यानी ज्यादा स्पीड में करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट को जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है आपकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सबसे पहले, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या आप कुछ दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका बेसिक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करो। आप 1 से 20 तक आपको टेबल ये देखो कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से 1 से 20 तक आप लोग को टेबल आता है। आपको टेबल नहीं आता है तो आप जरूर उसको एक बार दो बार देखो, आपको टेबल की कैसे सपोर्ट है कि 24 का मल्टीप्लाई 3 से करना हो तो कैसे फास्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने लगते हो। बट जिन स्टूडेंट को पता रहता है वो फट से वहाँ पर आंसर पॉइंट को डाल करके, यानी नंबर को डाल करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें है कि नहीं, तो 1 से 20 तक एटलीस्ट आपको उसका टेबल आपको याद है कि नहीं उसको देखो एक बार, नहीं याद है तो आप उसको एक दो बार उसको लिखो, रिवाइज करो, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको स्क्वायर जो है, स्क्वायर आपको 1 से 50 तक याद हो जाना चाहिए। अगर आप 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में आ गया 31 का स्क्वायर क्या है, तो आप वहां पर आप निकालोगे 31 × 31 मल्टीप्लाई करोगे, बट आपको याद है 961, तो आप डेफिनेटली वहां पर आंसर आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आपको 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। 1 से 20 तक अगर आप नहीं याद कर सकते हो तो 1 से 10 तक आप डेफिनेटली याद कर लो क्यूब, क्योंकि अगर आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब याद रहेगा तो आगे 10 के आगे आप कितना का भी क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब और स्क्वायर निकालने का आपको मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है, आप वैसे क्यूब निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, इसको आप जरूर आपको आना चाहिए। आपने चैनल बैंकिंग करियर पर भी ये है, आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है। उसके बाद आप एक YouTube चैनल है अमर सर, अमर सर के चैनल पर जा करके वहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन में आप सब जा करके आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छा से सर ने बताया है, तो आपके यहाँ से बेसिक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई भी अपने आप में कोई नंबर 100% है तो उसका अगर आपको कोई दे देता है कि 150 का आप 75% निकालो, तो वो चीज़ें आप कैसे निकाल सकते हो, कितने जल्दी निकाल सकते हो, तो उस पर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डिपेंड करेगी। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको बॉडमस का रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है, बॉडमस का कंसेप्ट आपको अच्छा से आना चाहिए। ब्रैकेट हो गया, वो से क्या हो गया, ऑपरेटर
ऑफ हो जाता है डी से डिवीजन। आपको डिवीजन कैसे करना है, आपको फास्ट में डिवीजन कैसे करना है, वो सब चीज़ों की नॉलेज आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी आप सीखो जा करके कि कैसे इसको डिवीजन आप फास्ट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट कर सकते हो, 100 × 100 × 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, 53 × 53 यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो, कितना जल्दी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छा आता है तो आपकी स्पीड डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। तो आप मल्टीप्लिकेशन का भी अपने चैनल पर बैंकिंग करियर के यूट्यूब चैनल पर मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना चाहिए, 3-4 वीडियो है, बहुत अच्छा है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। नहीं तो आप अमर सर के चैनल पर भी जाके देख सकते हो। एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए, एडिशन फास्ट करने आना चाहिए, उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी आपको करने आना चाहिए, यानी बोडमस रूल का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तो ही आप फास्ट सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे। यानी जो मैंने ऊपर बताया इतने सारे अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इवन डीआई में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी इतने सारे टॉपिक पर आपको 25 मार्क्स आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। आपको प्री प्री की बात करें तो 25 up to 25 मार्क्स यहाँ से आपको आते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप 25 मार्क्स लाने के लिए जितने सारे मैंने आपको टॉपिक बताया, पॉइंट बताया, वो सबको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने के बाद डेली आपको सिंप्लीफिकेशन का सेट, अप्रोक्सीमेशन का सेट, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई का सेट कम से कम एटलीस्ट आपको 2 सेट आपको डेली होने चाहिए। अगर आप 2 सेट डेली आप कर रहे हो तो आपकी डेफिनेटली आपको स्पीड आपका बढ़ेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अंडा का क्विज करो डेली करो, उसके बाद ग्रेडअप का क्विज करो डेली करो। यानी यहाँ से अगर आप क्विज कर रहे हो डेली तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, मिसलेनियस टॉपिक यानी चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम है, चैप्टर वाइज प्रॉब्लम जो होते हैं उसको बात करते हैं। तो देखो यहाँ से आप प्री में तो डेफिनेटली स्कोर कर लोगे, प्री क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन आपको कोई भी मेन क्वालिफाई करना है तो आपको जो मिसलेनियस टॉपिक है यानी चैप्टर वाइज है उसको आपको डेफिनेटली अच्छे से कंसेप्ट आपको आना चाहिए और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके और फाइनल क्वालिफाई कर पाओगे। तो मिसलेनियस टॉपिक में जितने सारे ये है चैप्टर है, एजेज हो गया, आप एजेज से शुरू करो, एवरेज हो गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम टाइम एंड वर्क हो गया, उस स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन पर प्रॉब्लम आता है, उसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, उसके बाद जितने सारे टॉपिक है यानी सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। जितने सारे टॉपिक है उसका कंसेप्ट आपको अच्छा से आना चाहिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, एवरेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, यानी आप चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट, आपको जितने सारे चैप्टर है उस सबका चैप्टर आपको कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क का ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप अच्छा से जा करके आप मेन में स्कोर कर सकते हो। और आजकल जो मेन देखो 4-5 चैप्टर है तो उसको डेफिनेटली कर दो। एक तो पार्टनरशिप डेफिनेटली कर लो, उसके बाद टाइम एंड वर्क कर लो, टाइम एंड वर्क भी आपको अच्छा से आना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको डीआई आजकल पूछते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस कर लो। और उसके बाद पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और ट्रेन पर भी जो प्रॉब्लम आते हैं उसको भी करो। यहाँ से आपको डीआई से बनते हैं, तो ये 4-5 जो टॉपिक उसको डेफिनेटली कर लो। उसके अलावा जो भी है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हो, उसके बाद परसेंटेज कर लेते हो, डिस्काउंट कर लेते हो, तो ये सभी चैप्टर से एक टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यहाँ से आपकी एक जो भी क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में जो आएगा वो आपको बना सकते हो। और ये सब टॉपिक करोगे तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको बनता है, आपको प्री में भी और मेन में भी बनता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जितने सारे मिसलेनियस टॉपिक है, चैप्टर है, जितने सारे 10-12 चैप्टर है उसको अच्छे से कंसेप्ट कर लो। और कहाँ से करना है आपको पता है, बैंकर्स अड्डा पर आप जा करके टॉपिक वाइज कर सकते हो, या अमर सर के चैनल पर अच्छे से उन्होंने बताया है, तो आप चैप्टर वाइज जा करके बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आप ऐसे करोगे तो आपको स्पीड जरूर बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। और आपके जो टेस्ट है, जैसे आपको ये बेसिक कंप्लीट कर रहे हो तो आपको टेस्ट डेली लगाना है, आप टेस्ट लगाओगे तो आपको स्पीड जरूर आपको इंक्रीज होगा। और टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट जो भी लगाते हो और डेफिनेटली उसका एनालिसिस जरूर करो, टेस्ट लगाओगे एनालिसिस करोगे तो ही उसका फायदा है, नहीं तो टेस्ट कितना भी कर लो एनालिसिस नहीं करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा।
ओके फ्रेंड, आई होप आपको इससे पॉजिटिव आपको ये मिला होगा, और आप ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।